हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये आज की मॉर्निंग की वीडियो। आज आपके पार्टनर मॉर्निंग आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, उनकी एनर्जी क्या थी आपको लेकर, तो देखा जाए आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, और अगर आपको महसूस भी कर रहे थे, याद भी कर रहे थे, तो क्या याद कर रहे थे, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए रिलैक्स हो जाइए, कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, क्रश लवर सोलमेट ट्विन जर्नी में आप लोगों सबके लिए है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कार्मिक से डील कर रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को पिक कर सकते हो। ठीक है, सिचुएशन के अनुसार अपना इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हो कि आपके पार्टनर सोलमेट है, ट्विन है, कार्मिक है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चलिए सुबह सुबह की एनर्जी देखती हूँ, आज व्यूअर्स आपके पार्टनर की क्या महसूस कर रहे हैं वो। द हैरोफैंट, टेन ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन, जस्टिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देखा जाए डियर, तो आपके पार्टनर और के लाइफ में देखिए टावर मूवमेंट तो आया है, क्योंकि आपसे पार्टनर आपके रियूनियन चाह रहे हैं। और देखिए, जब जब आपकी तरफ आपके पार्टनर पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो थर्ड पार्टी, कोई फीमेल थर्ड पार्टी आपकी रियूनियन रोकती है। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी हो, किसी ना किसी प्रकार से वो अपना दिमाग लगाकर आपके रियूनियन को रोकने की कोशिश करती है। कुछ समय से यही कुछ चल रहा है डियर, अगले कुछ दिनों से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों की रियूनियन रुक जाती है, डाबन मूवमेंट आ जाता है। देखा जाए डियर, तो हेरोफेंट ये मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर जिससे इन्होंने मैरिज कर ली है या पहले से ये मैरिड थे, हो सकता है उनकी लव मैरिज हो। ठीक है, उनकी लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज भी हो सकती है, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर जब भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह की बाधाएं थर्ड पार्टी डाल रही है, फीमेल मैनिपुलेटिंग थर्ड पार्टी, कुछ और लोग भी है जो उनके पार्ट आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स भी हो सकती है, फ्रेंड कॉलिक भी हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फीमेल भी है जहां ये बर्डन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस फीमेल की वजह से बार बार आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेज आ रहे हैं, टावर मूवमेंट आ रहे हैं। जो भी फीमेल है, जो भी थर्ड पार्टी है, आपके खिलाफ है डियर, कुछ भी हो वह मैनिफेस्ट कर रही है, जो कुछ भी करे, स्पेल वगैरह करे, मैनिफेस्ट कर, जो भी करे, आपको पार्टनर को अपने लाइफ में बांध कर रखने की कोशिश कर रही है। ये मेल भी हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन उदास है, देखा जाए आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन सिचुएशन सही नहीं है। वो किसी भी तरह करके आपके पार्टनर को अपनी ओर बांध कर रखना चाहती है या चाहता है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि आपके बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई बात भी हो रही तो आपके पार्टनर वहां पे इस वक्त चुप है, खामोश है, साइलेंस है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, इस वजह से टावर मूवमेंट जरूर आया जहां दोनों में डिस्टेंस है, सिर्फ ये सुन रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने लाइफ में उलझे हुए हैं। लेकिन आपके लिए है कि आपके साथ कुछ भी हो, ये थर्ड पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आई है।
ये न्याय आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं और आपके साथ बढ़ना भी चाहते हैं। देखिए इनके रुकने ना रुकने से कुछ नहीं होगा, ये कितना कोशिश कर रही या कर रहा है, लेकिन फिर भी टावर मूवमेंट और थर्ड पार्टी के बीच आया, लेकिन ये पर्सन आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन हर हाल में आपके तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां साइन सारे हैं डियर, ठीक है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी, अर्थ साइन भी और एयर साइन भी, सारे साइन है, ठीक है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, सारे साइन है, ठीक है। तो देखिए अभी भी फीमेल बाज नहीं आ रही है डियर, या थर्ड पार्टी कोई और भी है, थ्री थ्री की एनर्जी आई है, थ्री थ्री की एनर्जी आई है, थ्री नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थ्री थ्री की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आप फोर नंबर और थ्री नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ व्यूअर्स रेयर जो यहाँ पे हैं उनके लिए एट नंबर है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। जो भी टावर मूवमेंट आ रहा है ना डियर, ये जजमेंट है, ये जो होता है ना क्या बोलते हो, जस्टिस, कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप ही की तरफ सोच रहे हैं। जितना ये ट्रिगर कर रही है या कर रहा है, ये पर्सन कितना सुन रहा, खामोश है, सुनते हैं बात को, थोड़ी देर सुन लेते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आप ही के हो जाते हैं। तो साइलेंस से चुप है, खामोश है, बहुत डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्डन के साथ ये इन्होंने प्लानिंग करनी कि वो आपकी तरफ बढ़ना है, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, चाहे कुछ भी हो वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और रियूनियन भी चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू है, रोकने की कोशिश करी, आप दोनों के खिलाफ साजिश रचा जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, कोई ना कोई बाधाएं लाई जा रही है, टावर मूवमेंट आ रहा है, हो सकता है बर्डन प्रेशर की वजह से कि आपके पार्टनर रुक जाए, लेकिन आपके पार्टनर नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है, आपके पार्टनर रुकने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आपको पाने की चाह है, सेलिब्रेशन की चाह है। और देखिए डियर, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेने वाले, थ्री नंबर और फोर नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी यहां पे बहुत स्ट्रांग आई है डियर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैनिपुलेटिंग लेडी, द मून, मिसिंग एनर्जी, लेकिन द मून की एनर्जी, थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए गॉसिप हो रही, यहां भी गॉसिप हो रही, यहां भी गॉसिप हो रही है, लेकिन ये चुप है, खामोश है, काम से काम मतलब रखने, लेकिन बहुत स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले रहे। लेकिन यहां पे ऐसा भी दिख रहा है डियर कि आपके साथ न्याय तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लीगल इशू से गुजरने की भी मुझे लग रहा है कि यहां धमकी दी जा रही होगी, क्योंकि गॉसिप बहुत तेज है, और हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके बीच में लीगल इशू चल रहा हो, जहां थर्ड पार्टी एकदम से चाहती है कि आप दोनों का एंडिंग कर देना है, रियूनियन ना हो, आप दोनों एक ना हो, ऐसी एनर्जी है। लेकिन थर्ड पार्टी के खिलाफ आपके पार्टनर जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डियर, क्योंकि बर्डन है, यहां कोई एक्शन नहीं है कि वहां एकदम से जस्टिस आपको दे रहे हैं, नहीं, थोड़ा टावर मूवमेंट आया, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पे लीगल इश्यू की संभावना स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर जिनके लाइफ में लीगल इश्यू चल रहा है वो तो सही है, और जिनके लाइफ में लीगल इश्यू नहीं चल रहा, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो भी है लीगल इश्यू के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है, चाहे उनके लाइफ में लीगल इश्यू चल रहा है, तो ये सोचकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है उनके लाइफ में किसी तरह का लीगल इश्यू चल रहा है, उनके घर में किसी फैमिली मेंबर में डिवोर्स की एनर्जी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल इश्यू हो, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो किसी की मैरिज टूट रही है, ये भी हो सकता है उनकी फैमिली में, आपके पार्टनर की फैमिली में, तो उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो नहीं चाहती कि आप दोनों का मैरिज हो, वो भी चाहते हैं कि ट्रेडिशनल मैरिज हो और सोच समझ कर हो। तो आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटिंग भी किया जा रहा है, सुन रहे हैं, लेकिन बर्डन है, लेकिन फिर भी ये सब छोड़ छाड़ कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो बहुत व्यूअर्स, आपके रियूनियन होने वाली है, ठीक है, आप पेशेंस रखिए और धैर्य रखिए, बहुत व्यूअर्स आपका बर्डन कमने वाला है और बहुत जल्द रियूनियन होने वाली, लेकिन आपके पार्टनर के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करें, ठीक है, वो भी प्रेशर में है, वो भी बर्डन में है, बंधा हुआ फील करें, लेकिन मैनिफेस्ट करें आपको, ठीक है। अगर इनकी मैरिज भी किसी से हो गई है, ठीक है, इनकी मैरिज भी हाल में किसी से हो गई है, उनके बीच में भी टावर मूवमेंट आया है, अगर किसी की मैरिज हुई है हाल में डियर, हो सकता है 4 मंथ पहले हुई हो, ठीक है, 3 मंथ पहले हुई हो, 8 मंथ पहले हुई हो, 5 मंथ पहले हुई हो, 8 मंथ पहले हुई हो, ठीक है, जो भी हो, 4 मंथ, 3 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, जो भी हो, इनकी मैरिज अगर हाल में हुई है व्यूअर्स, या वीक भी हो सकते हैं, किसी के लिए वीक भी है, तो इस घंटे इस नंबर्स पे किसी की मैरिज हुई है, उनकी मैरिज नहीं चल रही है डियर,
ठीक है, आपके पार्टनर उन्होंने अगर मैरिज कर ली है तो उनके बीच में भी टावर मूवमेंट आया है, तो ये परेशान तो हैं, बर्डन है, लेकिन काफी समय से आपसे इन्होंने बातचीत नहीं की है, आपसे मुलाकात नहीं की है, तो ये अब आपके तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैशनेट एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी ये आपके तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, मैरिज हो जाने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बर्डन बढ़ता है, प्रेशर है, दुखी है, परेशान है, लेकिन उस सिचुएशन में इंसान बंध जाता है अगर उनकी मैरिज हुई है तो, या पहले से मैरिड है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, तो इनको पता चल रहा है। अगर न्यू इनकी मैरिज हुई है, 10 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, जैसे भी हो सकता है कि जिनसे इनकी मैरिज हुई है डियर, हो सकता है उनकी फैमिली कोई और थर्ड पार्टी हो, ठीक है, रिलेटिव हो, जो भी हो, जो हो सकता है उनके कान में खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर जो होता है ना, चुगलियां चुगलियां वो चल रही कि आप इनको डिवोर्स करो, या फिर लीगल इशू के जाओ, इनको धमकी दो, इनको मैनिपुलेट करो। तो सोचिए कि आपके पार्टनर के ऊपर टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है, कोई और वजह है जो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाते तो हैं, नहीं चाहते हैं कि हर बात आपसे बताई जाए, क्योंकि ये सॉल्व करना चाहते हैं, हर तरह से बैलेंस लाना चाहते हैं, और आपके साथ भी न्याय करना चाहते हैं। तो देखिए, मिला जुला के आपके पार्टनर खुश तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको मिस कर रहे हैं और आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी से हर हाल में निकलना चाहते हैं, जो भी टावर मूवमेंट आया है ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, ब्लॉकेज है, और कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं उनको बर्डन महसूस हो रहा है ना। तो ये है आज की एनर्जी आपके पार्टनर की सुबह सुबह की। वीडियो आपसे कितना रेजोनेट किया डियर, जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।